नमस्कार, मेरे YouTube चैनल कोर ज्ञान में आपका स्वागत है। मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि जो भी आप सरकारी योजनाएं या जो सरकारी स्कीम हैं, आप कौन से योजना पे आप अप्लाई कर सकते हैं या कौन सा आपका जो योजना है कौन सा आपके लिए सूटेबल है, वो आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। जो भी करेंटेड हैं या जो प्रीवियस बहुत सारी योजनाएँ हैं उसका लाभ कैसे उठा सकते हैं, उनका क्या क्या बेनिफिट है, पूरी तरह से विस्तार में ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपको बस ये इस मेरे वीडियो पे बने रहना है। माई स्कीम जो है आप देख सकते हैं, न्यू सरकारी योजना पोर्टल, सरकारी योजनाओं का फ़ायदा देने वाला पोर्टल। हाँ जी बिल्कुल, इस वीडियो में मैं आपको वही बताने जा रहा हूँ जो पूरी तरह से आपको जानकारी देगा सरकारी योजनाओं का और आप कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, आप यहाँ कौन से एरिया से बिलोंग करते हैं, वहाँ पर कौन कौन सी सरकारी योजनाएँ हैं, वो भी आपको पूरी इस वीडियो में बताया जाएगा। तो आपको करना क्या है, पहले गूगल में जा करके आपको सर्च करना है माई स्कीम गवर्नमेंट डॉट इन। आप देख सकते हैं ये माई स्कीम लिखा हुआ भी है www.myscheme.gov.in पे। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये गूगल में सर्च करते हैं, तो आपको यहाँ दिख रहा है ये योजनाएं खोजें। आप जैसे ही यहाँ योजनाएं खोजें पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये जैसे ही ओपन होता है ये वेबसाइट पे, जब आप चाहते हैं तो योजनाएं खोजें अपने लिए, हिंदी इंग्लिश आप कोई भी भाषा में सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे राइट कॉर्नर में बना होता है हिंदी और इंग्लिश को सिलेक्ट करने के लिए, आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। मैं हिंदी में ही कंटिन्यू करता हूँ इसको, आप चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं इसको लैंग्वेज को इंग्लिश में। यहाँ पे फिर जैसे ही आप योजनाएँ खोजें अपने लिए सेलेक्ट करते हैं तो नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास बना हुआ आ जाता है। यहाँ पे देख रहे हैं जैसे जैसे आप कंप्लीट भी करते जाएंगे सर्वे को, वो कंप्लीट होता जाएगा। इसमें आपके लिए सबसे योग्य योजनाएं खोजने में हमारी मदद करें, इसमें ऑप्शन आता है कि आप पहले बताएं उसके बारे में कि आप महिला हैं, पुरुष हैं, ट्रांसजेंडर हैं। आप अपने सेलेक्ट करें जेंडर को, यहाँ पे यदि महिला या पुरुष कोई भी सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे क्लिक कर दिया, और आपकी उम्र आप अपनी उम्र में ही बताएं इसमें कि यहाँ पे जैसे सेलेक्ट करेंगे तो आपकी एज बताया जाएगा। फिर अगला मतलब नेक्स्ट जैसे क्लिक करते हैं यहाँ पे अपने आपके लिए सबसे योजनाएं जो लिखा होता है, आपको कृपया अपने राज्य का चयन करें। यहाँ पे क्लिक करके आप अपने राज्य का चयन कर सकते हैं, आप बिहार, झारखंड, यूपी या आप दिल्ली या कर्नाटक, मध्य प्रदेश, कोई भी आप एरिया का सेलेक्ट कर सकते हैं स्टेट को। कृपया अपने निवास क्षेत्र का चयन करें, आप अपने ग्रामीण में रहते हैं या शहर में रहते हैं, वहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करके आप अगला पे क्लिक कर सकते हैं मतलब नेक्स्ट पे। आप देख भी सकते हैं मैंने फर्स्ट सर्वे कम्प्लीट हुआ तो आप सेकेंड पे हैं, तो यहाँ सेकेंड पे क्लिक करना है। जैसे आप आगे बढ़ते हैं फिर अगला क्वेश्चन आपके लिए कि आपकी सामाजिक श्रेणी, आप सामान्य वर्ग से हैं, पिछड़ा वर्ग से, अनुसूचित जाति या अनुसूचित, तो जो भी है आप सेलेक्ट कर सकते हैं इसमें। सेलेक्ट करने के बाद आप अगला पे फिर वही नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फिर आपसे ये कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आप दिव्यांग हैं, नहीं हैं, हाँ हैं, तो यहाँ पर भी जैसे आपको सिर्फ सेलेक्ट करना है, इस पर क्लिक करके ही आपको आगे बढ़ना है। जैसे आगे बढ़ते हैं आपको फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप अल्पसंख्यक हैं, हाँ या नहीं, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे अगला पे फिर नेक्स्ट क्लिक करेंगे, क्या आप एक विद्यार्थी हैं तो आप हाँ लिख सकते हैं, इस पर क्लिक कर सकते हैं, नहीं है तो नहीं पे आप क्लिक कर सकते हैं। आपकी मौजूदा रोजगार स्थिति में क्या है, नियोजित हैं, बेरोजगार हैं, अध्ययन में, आप यहाँ पे इंग्लिश में ही समझ सकते हैं, हिंदी में भी समझ सकते हैं। आप कभी भी आप यदि कोई पे भी स्टेप पे हैं और आप चाहते हैं कि चेंज करना चाहते हैं इंग्लिश लैंग्वेज को, यहाँ पे जा करके राइट ऑप्शन आता है, बना होता है इंग्लिश और हिंदी का सेलेक्ट करने के लिए, वहाँ पे क्लिक करके आप लैंग्वेज को तुरंत चेंज कर सकते हैं। तो अब इस तरह से आप जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आप इस ये सारे क्वेश्चन का जवाब दें उसी तरह से जो जैसा पूछा जा रहा है। आपकी मौजूदा रोजगार है, क्या आप वर्तमान एक सरकारी कर्मचारी के रूप में काम कर रहे हैं, हाँ या नहीं, सरकारी कर्मचारी हैं या नहीं, उसी तरह से आपके सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिस एरिया से आप बिलोंग करते हैं या जिस। यहाँ पे भी देख सकते हैं व्यवसाय यदि आप सेलेक्ट करते हैं तो बहुत सारा है, यदि नहीं है इसमें आप सूटेबल नहीं है, आप नहीं है, ये काम नहीं कर रहे हैं, पत्रकार नहीं है, फेरी वाला नहीं है, स्वास्थ्यकर्मी नहीं है, सफाई कर्मचारी नहीं है, पूर्व सैनिक नहीं है या शिक्षक संकाय नहीं है, कोई भी नहीं है, तो ना पे आप क्लिक करें, नो जो ऑप्शन आता है बना हुआ सबसे ऊपर में वही आप क्लिक कर सकते हैं। क्या आप BPL श्रेणी से संबंधित हैं, हाँ या नहीं, तो आप इसमें ना यहाँ पे सेलेक्ट करके आप आगे का सेलेक्ट कर सकते हैं, इसमें आगे जा सकते हैं इसमें क्लिक करके। कुछ क्वेश्चन जो आपसे पूछे जा गए हैं, आपके परिवार में वार्षिक आय क्या है, आप यहाँ पे बता सकते हैं कि साल में कितने की कमाई होती है आपके परिवार में, यहाँ पे सेलेक्ट करके आगे पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास ये सारी योजनाएं आ करके दिख जाएंगी। तो
तो आप निम्न योजनाओं के लिए पात्र हो सकते हैं, आप निम्न योजनाएं आप में अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं बहुत सारा योजनाएं जो कि मैंने अभी स्क्रीन पर नहीं दिखाया, बहुत सारा दिखता है इसमें आपको स्क्रीन पर दिख भी सकता है कि आप बैंकिंग में हैं तो 5 योजनाएं हैं, उपयोगिता हैं तो आप इस स्वास्थ्य से हैं तो 6 योजनाएं हैं। तो बहुत सारा योजनाएं आपको जो सरकार की तरफ से चल रही हैं, चल रहा था, जो अभी भी कंटिन्यू है और आप उसका फ़ायदा या लाभ उठा सकते हैं, तो यहाँ पे सारी योजनाएं दिख जाएंगी आपको, सब योजनाएं दिख जाएंगी। आवास एवं आश्रय से देख सकते हैं, व्यापार या उद्योग से देख सकते हैं, तो बहुत सारा योजनाएं दिख जाती हैं जिसमें आप अप्लाई करके अपने उसके फ़ायदा या लाभ उठा सकते हैं। आप यहाँ कोई भी एक सेलेक्ट करके जमा करें पे क्लिक करते हैं जैसे ही, तो आपके पास ये बना हुआ आ जाएगा। मैंने कृषि चिकित्सा पे क्लिक किया था, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये सारी डिटेल दिख जाएंगी। जब आप इस पे क्लिक करेंगे ना तो पूरी डिटेल दिख जाएगी कि क्या क्या योजनाएँ हैं, क्या फ़ायदा है, कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ये सारा चीज़ आप देख सकते हैं। यहीं पर भी अप्लाई करने के लिए भी ऑप्शन होता है इसमें कि आप डायरेक्ट अप्लाई भी कर सकते हैं इसी पोर्टल में से। तो ये सारे डॉक्यूमेंट कौन कौन सी डॉक्यूमेंट, जैसे जिस तरह के कंपलसरी है वो आधार कार्ड जो आपको लगेंगे, पैन कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, या कोई भी मेन कंपलसरी डॉक्यूमेंट होते हैं वो तो आपको लगेंगे। तो ये यहाँ से अप्लाई भी कर सकते हैं आप देख करके, कब रिलीज हुआ, क्या क्या योजनाएँ हैं, पूरी तरह से विस्तार में योजनाएँ का डिटेल होता है और आप कौन कौन लाभ उठा सकते हैं इसके लिए। आपने तो पहले कुछ सेलेक्टेड कर दिया है सारी चीज़ें, तो आपको यहाँ सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं, तो योजनाएँ को पढ़ करके आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट ज़रूरत होती है वो देख कर करके आपको डायरेक्ट अप्लाई करनी होती है। तो ये तो बहुत ही बेनिफिट है इस पोर्टल से, या माई स्कीम जो मैंने बताया आपको jiovi.in पे, तो इससे अप्लाई कर करके आप ना मतलब एक तरह से सारी योजनाएं जो चल रही हैं सरकार की, स्टेट में जो है सरकारी है, गवर्नमेंट में तो है सेंट्रल या स्टेट, दोनों का आप योजनाएं को पता कर सकते हैं और आप अप्लाई कर सकते हैं, इसका फ़ायदा या लाभ उठा सकते हैं। तो फ्रेंड मैंने आपके लिए वीडियो बनाया था कि आप सारी गवर्नमेंट के चल रही योजनाओं का फ़ायदा या लाभ उठा सकें। तो ये मेरा वीडियो कैसा लगा आपको, मेरे वीडियो को जरूर लाइक करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस तरह का वीडियो फैमिली या फ्रेंड में जरूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।